फ्रेंड्स आपको बता दें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका स्कॉलरशिप का फॉर्म जो लोग भर रहे हैं उनके सामने फ्रेश वालों के लिए यानी कि जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है आधार कार्ड वेरिफिकेशन की। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आधार कार्ड आप लोगों को वेरिफिकेशन किस प्रकार से करना है। मैं आपको बता दूँ कि कल जो है 4 या 5 आधार कार्ड ही आप हमसे वेरीफाई हो पाया। मैं जब आधार कार्ड वेरीफिकेशन कर रहा था तमाम स्टूडेंट्स का, तो क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्शन बहुत फास्ट है तो सर्वर आपको ऑलरेडी पता है कि सर्वर नहीं चल रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा भी यदि स्पेस मिल जा रहा है तो हमारे यहाँ पर लिंक जल्दी से ओपन हो जा रही है। एक और वीडियो के माध्यम से हम बता रहे थे कि यहाँ पर तुरंत हम लोग वीडियो को लाइव आते आते तुरंत लिंक जो है एक्टिवेट हो गई। तो ज़रा सा भी अगर स्पेस मिलेगा और अगर आपके डाटा की स्पीड फास्ट होगी, नेट की स्पीड तेज़ होगी, तो आपको इस वहाँ पर स्पेस मिल जाएगा और वहाँ पर आपके स्कॉलरशिप का फॉर्म आसानी के साथ भरा जा रहा है। तो कल जो है बहुत कम ही आधार कार्ड वेरीफाई हुए हैं लेकिन कुछ ना कुछ आधार कार्ड ज़रूर वेरीफाई हुए हैं। तो ऐसे मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। तो चलिए हमारे साथ दोस्तों बने रहिएगा। आपको बता दे दी, आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आप यदि पहुंचेंगे दोस्तों upscholarship.nic.in यानी कि अगर इस वेबसाइट को यदि आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरफेस आप लोग का, ये इंटरफेस से तो आप लोग ऑलरेडी परिचित होंगे क्योंकि ये इस इंटरफेस पर सभी लोग गए हैं एक बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय। तो उस पर आप लोग को सिंपली क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। चाहे यह लिंक आप लोगों की मोबाइल फ़ोन में खुल जाए या फिर यह लिंक आप लोगों की लैपटॉप में खुल जाए, काम क्या करना है आप लोगों को, तो सबसे पहले स्टूडेंट वाला आइकन आपको सबसे कॉर्नर में दिख रहा होगा। सबसे कॉर्नर में आपको स्टूडेंट वाला आइकन दिख रहा होगा, वहां पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन का, फ्रेश लॉगिंग का और रिन्यूअल का। तो यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वहां से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो फ्रेश लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपके पास यदि फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करने के पश्चात आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा खुल करके। वो इंटरफेस आप लोग का रहेगा कि आप लोगों को आपको भरना है कि आप फ्रेश हैं तो फ्रेश हैं, रिन्यूअल है, किस तरीके से भरना है। यहाँ पर देखिए आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप फ्रेश पर क्लिक करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन आएगा, उसके पश्चात यहाँ पर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आएगा और उसके पास यहाँ पर दिए गए कैप्चा को भरिएगा तो आपका ऑलरेडी सारी चीज़ें ओपन होकर के आ जाएंगी। वो क्या ओपन होगा मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन होगा आप लोगों का और इस इंटरफेस ओपन होने के पश्चात आप लोगों का क्या रहेगा कि आप लोगों को उसमें सब चीज़ भरनी है। क्या क्या भरनी है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप रजिस्ट्रेशन आप उस पर ओपन करेंगे तो ओपन करने के पश्चात आप लोग जैसे ही ये सारी चीज़ें डाल करके ओपन करेंगे तो आपको कुछ एक ऑप्शन दिखाई देगा और उस ऑप्शन के पश्चात एक नेक्स्ट ऑप्शन आप लोग को दिखाई देगा। उस चीज़ का स्क्रीनशॉट नहीं हो पा रहा था तो इस वीडियो के माध्यम से उसके बारे में दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से काम होने वाला है आपका। सबमिट पर बटन पर सीधे सीधे तौर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपको सबमिट के बटन पर, यहाँ पर आप रेड कलर का बटन देख रहे हैं सबमिट वाला, इस सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, तो एक इंटरफेस आपको खुलेगा। उस इंटरफेस में आपको आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। आप यदि आधार कार्ड का नंबर डालते हैं तो आपके मोबाइल फोन पर ध्यान रहे एक OTP आएगी। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मोबाइल नंबर जो होना चाहिए वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और बैंक वगैरह सारी चीज़ आजकल आधार कार्ड से लिंक हो रही है। तो यदि आप आधार कार्ड का नंबर वहाँ पर डालेंगे तो आपको सिंपली वहाँ पर एक OTP जाएगा, OTP को फिलअप करेंगे तो तुरंत आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। आधार कार्ड वेरीफाई होने के पश्चात आपको यहां पर देखिए प्रमाणीकरण सफल आप लोग का यहां पर लिखेगा, देख सकते हैं आप लोग यहां पे प्रमाणीकरण सफल का ऑप्शन यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो यहां पर प्रमाणीकरण सफल आप लोग का लिख देगा। जैसे ही आप लोग का ग्रीन टिक प्रमाणीकरण सफल यहां पर लिख देता है तो आपको मान लीजिए कि आधार कार्ड वेरीफाई हो गया। ठीक है, मैंने आपको स्टेप बता दिए हैं कि किस तरीके से आपको आधार कार्ड अपना वेरीफाई करना है। यहाँ से स्टेप में आप लोग गड़बड़ मत करिएगा, बस सबमिट के बटन पर क्लिक करके आधार कार्ड के ऑप्शन पर आ जाएगा आपके सामने। आधार कार्ड के लिए आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, OTP आएगा, OTP फिल करेंगे, उसके पश्चात आप लोग का वहाँ पर सारा काम ओके हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लिंक ओपन होता है तो मैं आपको बता देता हूँ किसी तरीके से आपको इस स्टेप का फॉलो करके आप कर सकते हैं। यह चीज़ आप मोबाइल नंबर से, मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं या लैपटॉप से भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।